कॉम्बिनेशन 5, आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ऊपर लिखा है 9, इसका 11 9 का वेक्टोरियल, नीचे लिखा है 5 तो 5 का वेक्टोरियल, लेकिन चूँकि बात हो रही है कॉम्बिनेशन 9 और 5 का डिफर कितना होता है 4, तो हम नीचे 4 का वेक्टोरियल भी लिखेंगे। अब 9 के वेक्टोरियल कब है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे ही सुनन तो 1 तक जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको 5 वेक्टोरियल पे रोक दूंगा। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे भी एक 5 वेक्टोरियल मौजूद है, मुझे बताइए कैंसिल हो जाएंगे। 4 वेक्टोरियल को लगता मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ए 5 वेक्टोरियल ने 5 वेक्टोरियल को मार डाला, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ने 8 को काट डाला, 9 को इस 3 ने काट डाला। अब सीधी साधी बात है, आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 7 21 21 6 होता है 126, आंसर आपका आ जाएगा 120। देखो लॉगरिथम हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, या फिर इस्तेमाल किया, एक ज़माना था जब कैलकुलेटर ईजाद नहीं हुआ था, तो लंबी लंबी कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजाद हुई जिनमें लॉगरिथम भी था, बाइनोमियल थ्योरम भी था। अब जैसे कि a प्लस बी की पावर 5 है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज़्यादा, यानी 6। अब देखो सबसे पहले ये पूरी पावर 5 a पे होगी, फिर a पे पावर 4 रह जाएगी, फिर a पे पावर 3 रह जाएगी, a पे पावर 2 रह जाएगी, a की पावर 1 रह जाएगी, और आखिरी वाले में a की पावर होगी नहीं बल्कि b की पावर 5। तो देखो जब a की पावर 5 है, b की पावर 0 थी, a की पावर 4 हुई तो b की पावर बढ़ के 1 हो गई, यानी a की पावर डिसेंडिंग होती जा रही है, कम होती जा रही है, b की पावर 1 भी बढ़ती जाती है। फिर देखो a क्यूब हुआ तो b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हुआ तो b क्यूब हो गया, ए की पावर 1 हुई तो बी की पावर 4 हो गई, और एक वक्त आया जब बी की पावर 5 हो गई। अच्छा अब देखो ओवरऑल ए प्लस बी की पावर 5 थी, तो यहाँ हमेशा पावर का सम 5 है, ए 4 बी 1 पावर का सम 5 आ रहा है, ए क्यूब बी स्क्वायर पावर का सम 5 आ रहा है, ए स्क्वायर बी क्यूब पावर का सम 5 आ रहा है। तो हर दफ़ा पावर का सम कितना आ रहा है बच्चों? 5 ही आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अब देखो कोफिशेंट ए की पावर 5 का भी 1 है, बी की पावर 5 का भी 1 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, लेकिन सेकंड टर्म में देखो कोफिशिएंट 5 है क्योंकि पावर भी 5 है, और सेकंड लास्ट टर्म देखो तो इसमें भी कोफिशिएंट 5 है क्योंकि पावर भी 5 है। सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा किस हिसाब से होता है? पावर के हिसाब से होता है। बड़ी है बात। अब देखो चूँकि यहाँ a प्लस बी की पावर 5 थी, प्लस था, तो सारे टर्म प्लस हैं। अगर यहाँ प्लस नहीं माइनस होता तब क्या होता? फिर ऑल्टरनेट होते हैं साइन, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। सो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल। जो बड़ा अच्छा सवाल है, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 विल बी। अब देखो 1 प्लस एक्स, गौर से देखो कि यहाँ पे चल रहा है प्लस और पावर में माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस बनता है, यानी कि जो अब टर्म्स हैं उनकी जो साइन है वो क्या होनी चाहिए? ऑल्टरनेट होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि इनमें से एक चीज़ प्लस है एक माइनस है, दोनों प्लस होते तो फिर ज़ाहिर है प्लस ही चलते हैं। अब ज़रा ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए में 2 प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस नो, बी में भी 2 प्लस फिर माइनस फिर प्लस नहीं, सी में देखें प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही चल रहा है, सी हमारा आंसर होगा। बहरहाल कंफर्म कर लेते हैं, डी देखते हैं, डी भी नहीं है, डी में सारे प्लस चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ ब्रैकेट में प्लस है और ऊपर पावर माइनस है, ठीक है जी। और वैसे भी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, और वो यही है, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहे हैं एक्स प्लस वाई की पावर है पी माइनस वन, और आपसे कह रहे हैं पी ए टर्म चाहिए, कौन से टर्म? पी ए। अब वेल यार एक बात सुनो, पावर है पी माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती हैं? पावर से एक ज़्यादा होती है। अगर पावर पी माइनस वन है तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी ब्रैकेट में पावर होती है नंबर ऑफ टर्म हमेशा पावर से एक ज़्यादा होती है। पावर पी माइनस वन है, वन प्लस कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई पी, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। यानी पीएड टर्म का मतलब है हमें क्या चाहिए? लास्ट टर्म। पीएड टर्म का मतलब क्या होता है? हमें चाहिए लास्ट टर्म। देखो लॉजिक लगाओ, अब यहाँ जो सेकंड टर्म है वाई है,
लास्ट टर्म में हमेशा क्या होता है, ये जो सेकंड टर्म होती है इसकी ये पूरी की पूरी पावर हो जाती है। सेकंड टर्म वाई है, इसके पूरी पावर पी माइनस वन, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम इस तरह से भी चल सकते थे, टी आर प्लस वन एन कम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर बी आर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सीधी सादी लॉजिक पकड़ी कि भाई अगर पावर पी माइनस वन है तो नंबर ऑफ टर्म पी होंगी, नंबर ऑफ टर्म पी होंगी यानी पेयर टर्म्स होगी, लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म में क्या होता है, हमेशा जो सेकंड टर्म होती है इसकी ओवरऑल पावर